या कोटडू से लेके आई सीरीज तक, आई सीरीज में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जनरेशन तक सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके अंदर कौन सा पीसी आपके पास पड़ा है? डेस्कटॉप के अंदर पड़ा है ये चीज़। ये कितने का मिल रहा है? तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रैम्स के रेट क्या हैं अगर हम DDR3 में जाएँ या DDR4 में जाएँ, उसकी 8 GB की रैम आपको कितनी देखें, कितने की देखें? मैं SSD के हवाले से बताइएगा क्या रेट्स चल रहे हैं, और ब्रांड्स के अंदर अगर आप सेल आउट कर रहे हैं नई के क्या रेट्स हैं, सेकंड हैंड में आपको कितने की मिल जाती हैं? हार्ड ड्राइव्स क्योंकि आजकल लोग कम से कम 500 GB लगाते हैं, 500 GB से शुरू करेंगे क्योंकि 80 वाला तो ज़माना चला गया, सही है। तो यहाँ 1 TB और 2 TB तक बात करें, तो बेस्ट सेलिंग ब्रांड इस टाइम पाकिस्तान का जो कि आप कहते हैं यार ये जो ब्रांड है ना ये लोग एतबार करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, वो कौन सा है आपके एतबार में? तो उन्हें PC चाहिए होता है जो कि कम प्राइस के अंदर उनका अच्छा गुजारा करे। तो आप थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड के रेट्स भी बता दीजिएगा, 1 GB तक 2 GB तक जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आप PC के अंदर लगा के देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अमार सुहेल। अमार सुहेल नाम है सर। हम ना यहाँ आए हैं कंप्यूटर मार्केट के अंदर स्पेशली के हमें ना कंप्यूटर के बारे में थोड़ा अंदाज़ा हो सके कि क्या रेट चल रहे हैं, कम से कम क्या रेट हैं, और सबसे ऊपर जो लेटेस्ट आपके पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है उसके क्या रेट्स हैं, उसके क्या कॉम्बिनेशन हैं, क्या रैम है, उसके अंदर क्या स्पेक्स हैं। तो आपसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहूँगा कि कम से कम आपके पास कौन सा पड़ा है PC, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्स में कौन सा पड़ा है? या कोटडू से लेके आई सीरीज तक, आई सीरीज में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जनरेशन तक सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। बस सिक्स जनरेशन तक i7 तक आपके पास पड़ा हुआ है? जी पड़ा हुआ है। जी पड़ा हुआ। तो हम कोटडू से स्टार्ट करेंगे कि कोटडू का रेट क्या कॉम्बिनेशन के साथ कौन सा आप दे रहे हैं, मतलब कोटडू का रेट मुझे बताएंगे थोड़ा सा। ये टावर के अंदर, टावर में ये है कि 2 GB रैम के साथ मिनिमम स्पेक है जो, और 160 हार्ड डिस्क के साथ वो तकरीबन 5000 रुपये का बनता है। 5000 के साथ बनता है जी। ठीक हो गया। तो यही हम अगर उसमें चले जाते हैं जो टावर के बगैर होते हैं उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। अगर उसमें चले जाते हैं डेस्कटॉप में वो फिर आप 4500 तक चले जाते हैं, मतलब कि 500 का फर्क, 500 का फर्क आ जाता है। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं i3 में चले जाते हैं जी, फर्स्ट जनरेशन में वो ये है कि राउंड अबाउट भी 8000 रुपये बनता है। 8000 रुपये, 4 GB रैम है और 250 GB हार्ड के साथ। ठीक हो गया। और हम सेकंड जनरेशन में अगर चले जाएं तो वो 500 रुपये ऐड होता है मिनिमम, 500 रुपये ऐड हो जाते हैं। थर्ड में चले जाएं, थर्ड में वो 1500 रुपये ऐड हो, 1500 रुपये ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितने का बन जाएगा वो? तकरीबन आपका राउंड अबाउट 10000 का बन जाएगा। 10000 का बन जाएगा। तो अगर हम यही मतलब कि थर्ड जनरेशन में रहते हुए या हम फर्स्ट जनरेशन से चलो शुरू कर लेते हैं, i5 में चले जाते हैं। ठीक है। i5 में जो मिनिमम स्पेक है 4 GB रैम और 250 GB हार्ड के साथ वो ये है कि आजकल के रेट के हिसाब से तकरीबन 9000 रुपये का। अच्छा, आजकल। और अगर सेकंड में जाते हैं तो सेकंड जनरेशन में कुछ 13000 के राउंड अबाउट चल जाता है। 13000 के राउंड। थर्ड में जाते हैं, थर्ड में आते हैं वो तकरीबन 15 से 16 तक चल जाता है। 15 से 16 के। अगर हम PC दिखा सकते हैं हमें कोई कोर i5 में जो आपके पास हो? में ये देखें। अच्छा, ये चीज़ पड़ी हुई है, ये थर्ड जनरेशन जी, थर्ड जनरेशन। और ये हम किस स्पेक्स के साथ मिलेगा हमें? 4 GB रैम 250 GB हार्ड के साथ, 250 GB हार्ड के साथ। ये i5 3470 है जी, ये प्रोसेसर का मॉडल है, यही प्रोसेसर का मॉडल है थर्ड जनरेशन में। ये हमें मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 16000 रुपये का। 16000 रुपये का। तो इससे अगर हम ऊपर जाते हैं थोड़ी जनरेशन अपग्रेड करना चाहते हैं, फोर्थ में चले जाते हैं, ये फोर्थ जनरेशन चलते हैं, उसके अंदर कौन सा PC आपके पास पड़ा है? ये चीज़ पड़ी होगी डेस्कटॉप के अंदर पड़ा है, डेस्कटॉप में पड़ी होगी ये चीज़। ये कितने का मिल रहा है? ये आपको मिनिमम 22000 तक चल जाएगा। 22000 का चला जाएगा। अगर हम अब फिफ्थ जनरेशन पे जाना चाहते हैं i5 के अंदर, i5 के अंदर फिफ्थ जनरेशन वो राउंड अबाउट 25 तक चल जाती है। 25 तक चली जाती है। इसके अंदर आपके पास 6 भी पड़ी है? 6 भी पड़ी हुई है। वो कितने का? वो चले जाएगी मिनिमम स्पेक 4 GB रैम के साथ और 250 GB 500 GB हार्ड के साथ, वो तकरीबन 40+ चले जाएगी। 40+ चले जाएगी। और यही मतलब कि प्रोसेसर हम चेंज करना चाहते हैं, हम i7 करना चाहते हैं, i7 6th generation, वो तकरीबन आपका चल जाएगा कोई 45 to 50 के राउंड अबाउट, 50 के राउंड अबाउट। अभी ना थोड़ा सा मुझे और गाइड करना है कि अगर कोई बंदा जो है वो पहले i3 ले लेता है, जनरेशन उसके पास थर्ड है, अभी वो थर्ड के अंदर अपग्रेड करना चाहता है i3 से i5 में या i7 में, तो प्रोसेसर के रेट थोड़े से गाइड कर दें, अकेले प्रोसेसर के रेट आपको? जो पहले तो i3 का प्रोसेसर है वो तो है 2000 रुपये का, 2000 i3 थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वाला। और अगर आप i5 में जाते हैं तो वो है 6000 रुपये का, 6000 रुपये का। और i7 में जाते हैं तो वो है 16000 रुपये का, 16000 रुपये का। सिर्फ प्रोसेसर चिप चेंज हो जाएगी, प्रोसेसर चिप चेंज हो जाएगी। तो ये जनरेशन हम फिफ्थ में चले जाएँ या फोर्थ में चले जाएँ तो उसके रेट भी थोड़े से गाइड कीजिए। i3 फोर्थ जनरेशन है, वो प्रोसेसर 5000 रुपये का, 5000 रुपये का। और जो i5 है वो 11000 रुपये का प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में, 11000। और अगर i7 करते हैं वो तकरीबन 22000 रुपये का, 22000 रुपये
का प्रोसेसर है। फिफ्थ जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में वो 30 के अराउंड चले जाता है, 30 के अराउंड चले जाता है जी। तो अगर हम मतलब कि जनरेशन इससे ऊपर लेना चाहें आपके पास अवेलेबल होंगी? जी अवेलेबल होंगी। इससे ऊपर कौन कौन सी जनरेशन आपके अलावा? 6 अभी तक अवेलेबल है, बाकी 7th, 8th अगर चाहिए तो वो ऑन डिमांड मिल जाती है। ऑन डिमांड मिल जाती है जी। तो 7th, 8th जो ऑन डिमांड मिलती है उसका कोई रेट अंदाजा दे सकते हैं आप? अंदाज़ा वो अगर आप न्यू में लेते हैं तो वो अराउंड अबाउट 80-90,000 तक चल जाएगा। सही। अगर आप नई ब्रांडेड मतलब यूज़ में लेते हैं वो तकरीबन 60-70 तक इसका है। 60-70 तक आसानी के साथ इजीली। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रैम्स के रेट क्या हैं अगर हम DDR3 में जाएँ या DDR4 में जाएँ, उसकी 8GB की रैम आपको कितनी देखने कितने की देखने को मिलती है? DDR3 रैम है वो आजकल जो रेट है वो 5,000 रुपया चल रहा है। 8GB रैम जी जी ठीक हो गया। तो अगर हम DDR4 की बात अगर DDR4 करते हैं वो तकरीबन 6,000 रुपये की रैम है। 6,000 रुपये की रैम मिल जाती है मतलब कि। तो सर आजकल जो है एक नया दौर है, हर बंदा चाहता है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर SSD लगी हो जिससे जो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो मैं SSD के हवाले से बताइएगा क्या रेट्स चल रहे हैं और ब्रांड्स के अंदर अगर आप सेल आउट कर रहे हैं नई के क्या रेट्स हैं, सेकेंड हैंड में आपको कितने की मिल जाती हैं, मतलब क्या इसके? आजकल तो न्यू में और ब्रांडेड में कोई खास फ़र्क नहीं रहा। खास फ़र्क नहीं रहा, दोनों की प्राइसेज वगैरह कोई वेरी नहीं करती, सेम प्राइस। सेम प्राइस तो ये है कि 60GB से लेके और 512GB तक जाती हैं। उसकी क्या रेट्स हैं? 60GB से स्टार्ट होते हैं तो वो तकरीबन 2500 से शुरू हो जाती हैं। अच्छा 60GB तो मतलब कोई भी नहीं लगवाता होगा वैसे? नहीं नहीं वो जो सिर्फ स्पेसिफिक विंडो के लिए होती हैं वो यूज़ होती हैं। अच्छा अच्छा सही। उसके बाद चल जाती है 80GB पे आ जाती है, 120GB आ जाती है, 120GB वो 3500 रुपये की है। 3500 रुपये की है। और यही 512 की बात करें, 512 वो तकरीबन 11,000 रुपये की है न्यू में। इनके दरमियान में 240 भी आती है? 240 भी आती है। वो कितनी जी? वो 6,000 रुपये। 6,000 रुपये की आपको मिल जाती है। ये ब्रांड्स भी होते हैं इसके अंदर? कोई ब्रांड्स के अंदर आप थोड़े से नाम लेना चाहें जो आपके पास अवेलेबल हो नए के अंदर? ब्रांड में न्यू में किंगस्टन आ जाती है, सैमसंग आ जाती है, पेसर आ जाती है, जो कि सीगेट आ जाती है। मतलब कि ब्रांड्स के अंदर कोई प्राइस का डिफरेंस होता है? नहीं प्राइस का डिफरेंस नहीं, लेकिन सेम सेम प्राइस होती है, बस ब्रांड टैग जो भी आप लेना चाहिए ले सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा अगर हार्ड ड्राइव्स की बात करें जी, हार्ड ड्राइव्स क्योंकि आजकल लोग कम से कम 500GB लगाते हैं, 500GB से शुरू करेंगे जी, वो 80 वाला तो जमाना चला गया। सही है। तो यहाँ 1TB और 2TB तक बात करेंगे। ठीक है। उसकी क्या प्राइसेस जो हैं चल रही है? 1TB जो आजकल प्राइस है वो 4,000 रुपये है। 4,000 ये सेकंड हैंड की प्राइस है? ये ब्रांडेड की है। ये ब्रांडेड की जो सेकंड हैंड में होती है। और जो 2TB है वो 5,500 की। अगर हम यही नए में चले जाएँ तो क्या प्राइस? नए में ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये का फर्क आएगा या मिनिमम 500 का फर्क आ जाएगा। इसकी क्या वजह होती है कि नई चीज़ जो है वो फिर मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं है मार्केट के अंदर, ये क्या वजह है? पहले फर्क होता था। अच्छा। पर अब एज इट इज़ जो कोरोना की सूरत हाल है हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ना। अच्छा। अब इतना कोई खास फर्क रहा नहीं चीज़ों में। अच्छा, मतलब कि ज़्यादा मतलब कि पहले ज़्यादा फर्क होता पहले था, फर्क होता था। तो मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आपके पास मैंने देखा है हर ब्रांड पड़ा है, डेल, HP, लेनोवो, हर किस्म के आपके पास PC पड़े हैं। तो बेस्ट सेलिंग ब्रांड इस टाइम पाकिस्तान का जो कि आप कहते हैं यार ये जो ब्रांड है ना ये लोग एतबार करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, वो कौन सा है आपके एतबार में? भैया पहली बात जो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है उसका किसी को भरोसा नहीं है। सही। जो चीज़ जिस बंदे को सूट कर जाए उसने सेकंड टाइम आके वही चीज़ लेनी है। सही हो गया। बाकी ये है कि मैं पर्सनली यूज़ HP कर रहा हूँ और वो मेरे ख्याल से बड़ी बेहतरीन मशीन है। अच्छा, मतलब कि आपके कहने के मुताबिक कि जो HP है वो ज़्यादा सेल आउट होता है, पाकिस्तानी आवाम ज़्यादा HP को पसंद करती है। तो मैंने देखा है कि जो लेनोवो की मशीन्स हैं वो ज़्यादातर आवाम पसंद नहीं करती, उसकी क्या रीज़न आप कोई डिफाइन करना चाहेंगे? या अगर उसको कोई मसला वगैरह हो जाए ना तो वो उसका सिंपल सोल्यूशन कबाड़ ही होता है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा अच्छा। इस वजह से वैसे पाकिस्तान में वो उसका कोई दूसरा हल है नहीं है। तो पाकिस्तानी तो ये लोग कहते हैं ना कि 300 वाली चीज़ भी ना उसे टांका लगा के ठीक होती थी। आजकल ना मसला ये कि ज़्यादातर लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उन्हें PC चाहिए होता है जो कि कम प्राइस के अंदर उनका अच्छा गुजारा करे। तो आप कौन सा PC रेकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बस गूगल क्रोम के अंदर कोई जूम पे क्लासेज लेनी है, कोई टीम्स चलाना, बस ये उनका काम है? या वो ये है कि आप फर्स्ट जनरेशन में देख लें, अगर आपका बजट को ज़्यादा देता है तो फर्स्ट जनरेशन i3 में i3 देख लें मिनिमम या i5 देख लें। सही। वो क्या आपको कॉस्ट पड़ेगी? लो स्पेक के साथ 4GB और 250GB के साथ तकरीबन 7,000 रुपये का आएगा। 7,000 रुपये का बन जाएगा। और वो है। एस्टिमेट अगर लगाया जाए तो आजकल के बजट के हिसाब से नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब कि आप यही रेकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, कोड टू डू आप क्यों नहीं रेकमेंड करते? कोड टू डू अप टू सम एक्सटेंट कस्टमर का काम जरूर करेगा, पर जब कस्टमर की कंप्लेंस वगैरह आएंगी कि मैं अब ये कर रहा हूँ, मतलब कोड टू डू स्लो होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, बहुत पुराना प्रोसेसर भी हो गया ना, अभी स्लो हो जाता है। तो आजकल ना लोग गेमिंग का जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, शऊर आ रहा है, लोग गेमिंग के अंदर आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, तो कोई हाई एंड PC आप कोई रेकमेंड करना चाहें जो कि अच्छी जनरेशन के साथ आपको आप थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड के रेट्स भी बता दीजिएगा, 1GB तक, 2GB तक, जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आप PC के अंदर लगा के देते हैं, तो कौन सा PC इस रेंज के अंदर जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए उसे?
वो आप कौन सा रेकमेंड करेंगे? ग्राफिक कार्ड में पहली बात तो बिट्स रेट आ जाती हैं कि 64 बिट्स हैं, 128 है, 192 है, 256 है, वो सारी बिट्स रेट आ जाती हैं। तो ये है कि 1GB का जो लो स्पेक वाला है वो तकरीबन 3000 रुपये का है, और जो थोड़े अच्छा है उससे तो वो 4500 रुपये का। सही हो गया। और 2GB में? 2GB में मिनिमम जो स्टार्ट होता है वो 8000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 8000 से लो एंड वाला। अगर जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता 9-10 हज़ार, अगर हाई एंड चाहिए वो तकरीबन 13 से 14 हज़ार रुपये का मिल जाता है। ठीक होगा, ठीक होगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना गाइड किया।